पिछले साल इसी समय सब ने कहा कि अदानी अब खत्म हो जाएगा। हिंडनबर्ग ने अदानी के अगेंस्ट एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने अदानी को भारत का सबसे बड़ा स्कैम कहा। India's Adani Enterprises is facing unprecedented turmoil. In Adani companies, we're looking at losses of north of $130 billion. He said it's the biggest con in India's corporate history. 2 months ago, he was the second richest person in the world. The Adani Group's 7 listed companies have plummeted in market value after a report. The Adani Group's shares are in a free fall. और इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी जो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट मैन बन चुके थे वो फिसल कर नीचे गिर गए। उनके रातों रात $60 बिलियन खत्म हो गए। लेकिन आज का हाल क्या है? गौतम अडानी ने फिर से अपनी बादशाहत कायम कर ली है। अडानी has once again claimed the richest Indian spot. सिर्फ इतना ही नहीं, गौतम अडानी ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में भी लंबी छलांग लगाई है। ऐसा क्या हुआ एक साल में अडानी वापस भारत के रिचेस्ट मैन कैसे बने? ऐसे उन्होंने क्या किया? क्या ये एक और बड़ा गफला है या एक बिजनेस केस स्टडी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा मिशन यही है कि आपको आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसके बारे में सही और आसान भाषा में इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आप आपकी राय खुद बना सकें। अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में दुनिया का नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप में से 60% लोगों ने आज भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर नए हैं या फिर किसी भी वजह से उस लाल बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो बहुत ही सिंपल होगा लेकिन इससे हमें बहुत होप मिलती है। चैप्टर 1, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या हिंडनबर्ग सच कह रहा है? क्या अदानी सच में एक स्कैम है? जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज हमेशा जो कहती हैं वो शत प्रतिशत सही है, ऐसे हर बार मानना सही नहीं होगा। हमें विश्वास हमारी एजेंसीज पर रखना होगा। ओके, किन एजेंसीज की बात हो रही है? बात हो रही है सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जो अदानी की 24 इररेगुलरिटीज की जांच कर रही थी। उनमें से 22 मुद्दों पर उन्होंने जांच कंप्लीट भी की। सेबी फरवरी 2024 तक बाकी सारी इन्वेस्टिगेशंस भी कंप्लीट कर देगी। यहाँ हमें हेडलाइन से आगे बढ़कर डीप इशू को समझने की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीच में आया ही क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, यानी वो न्यूज के जरिए कंपनी के बारे में बुरी खबरें फैला सकता है, फिर उस कंपनी की वैल्यू नीचे लाने की कोशिश कर सकता है और इस प्रोसेस में ढेर सारा मुनाफा कमा सकता है। यानी उसका इसमें इंटरेस्ट क्या है, ये साफ साफ दिखता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं, आम आदमी का भी होता है, उस कंपनी में निवेश करने वाले शेयर होल्डर का भी होता है। गौतम अडानी ने खुद $60 बिलियन खोए, लेकिन उनके स्टॉक्स में से $110 बिलियन रातों रात उड़ गए। ये पैसे किसके थे? आपके और मेरे ही, यानी जिस किसी ने अडानी की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनके। न्यूज न्यूज होती है। फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन जैसे न्यूज़पेपर किसी भी तरह की खबरें छाप सकते हैं, कोई भी एलिगेशंस कर सकते हैं और इनसे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि ऐसे रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन में मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फाइनल डिसीजन नहीं सुना सकते। अनामिका जायसवाल और प्रशांत भूषण एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के थ्रू अदानी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सेबी एक्सपर्ट है और उनका एक्सपीरियंस भी है, तो वही इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को बचाने के बजाय शेयर होल्डर को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा, लेकिन ये बात हेडलाइंस पढ़कर आपको शायद समझेगी नहीं। लेकिन ये खबर सुनते ही एक ही दिन में इम्पैक्ट अदानी के स्टॉक्स पर हुआ। अदानी इंटरप्राइजेस 9%, अदानी टोटल गैस 20%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 19% और अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर और NDTV के शेयर्स 12% से ऊपर गए। दिस जंप इज ह्यूज। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले अदानी की कंपनी का जो वैल्यूएशन था, वहां तक अभी भी ये कंपनियां नहीं पहुंची हैं। यहां इन्वेस्टर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सेबी ने अब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं किया है। लेकिन एक बात तय है कि गौतम अडानी भारत के रिचेस्ट मैन जरूर बन गए। चैप्टर 2, अदानी ने सर्वाइव किया कैसे? अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और शेल कंपनीज का इस्तेमाल, ये काफी सीरियस एलिगेशंस है जिन्हें हमने हमारी अदानी ट्रिलॉजी में कवर भी किया है। लेकिन अदानी की डिफेंस स्ट्रेटजी काफी इंटरेस्टिंग है और वो है ऑफेंस। कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बिगेस्ट डिफेंस, वैसा ही कुछ। अदानी ने सर्वाइव किया कैसे? इसके रीजंस एक दो नहीं, कई सारे हैं, लेकिन आपकी समझ में आए और आपको याद रहे इसीलिए हमने इन सारे रीजंस को 3 पिलर्स में डिवाइड किया। कॉन्फिडेंस, माइंडसेट एंड करेक्शन। पहला पिलर है कॉन्फिडेंस। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तो अडानी एंटरप्राइजेस का FPO ओपन हो रहा था। यहाँ अडानी 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करना चाहता था,
हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से एफपीओ पर इम्पैक्ट हुआ जरूर, लेकिन लास्ट दिन पर ये एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था। यहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने अडानी में इन्वेस्ट किया था। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद अडानी ने यह एफपीओ कैंसिल भी कर दिया और इन्वेस्टर्स को अपने अपने पैसे लौटा दिए। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी थी दुनिया को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने की, और इसका इम्पैक्ट जरूर हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी किसी भी क्रेडिट एजेंसी ने, भले वो नेशनल क्रेडिट एजेंसी हो या इंटरनेशनल, अडानी कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग कम नहीं की, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। यानी शॉर्ट टर्म लॉसेस का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं हुआ। अक्सर कोई बड़ा स्कैम होने पर सबसे सीनियर मैनेजमेंट कंपनी छोड़कर भाग जाती है, लेकिन अडानी के साथ ऐसे हुआ नहीं। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटैक्ट रहे, साथ ही साथ नया पैसा कंपनी में आता गया। GQG पार्टनर्स ने $4 बिलियन अडानी में इन्वेस्ट किए। कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अदानी ग्रीन के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में $770 मिलियन इन्वेस्ट किए। अबू धाबी के इंटरनेशनल होल्डिंग को ने, जो अबू धाबी की रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई कंपनी है, अदानी एंटरप्राइजेस के 5% शेयर्स खरीदे। भारत सरकार से अफिलिएटेड भी कई कंपनीज का अदानी को सपोर्ट मिला। इसमें SBI और LIC जैसी कंपनी शामिल है। SBI ने अदानी के PVC प्रोजेक्ट में 34,000 crore इन्वेस्ट की। इन सारे रीजंस की वजह से अदानी की कंपनीज में और उनके प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। दूसरा पिलर है माइंडसेट। अदानी ने यहाँ ग्रोथ पर फोकस किया। अदानी की ज्यादातर कंपनीज को देखा जाए तो वो B2B सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे B2C सेक्टर में भी अदानी का नाम सामने आ रहा है। अदानी भारत के 6 एयरपोर्ट्स मैनेज और मॉडर्नाइज करना चाहता है, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम शामिल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पिछले 20 सालों से बंद ही रहा है, वो इस साल 2024 दिसंबर में फाइनली खुलने वाला है। जुलाई के महीने में भारत की लार्जेस्ट स्लम धारावी को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिला। ये बिड 2022 में ही हुई थी और इस प्रोजेक्ट में अदानी 5,000 crore इन्वेस्ट करने वाला है। अदानी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कंपनीज को अक्वायर करता गया, जिनमें कराईकल पोर्ट, कोस्टल एनर्जन और संघी सीमेंट के साथ साथ इंडियन ऑयल टैंकिंग में भी 49% स्टेक शामिल है। जहां 2023 की शुरुआत में एवरीवन वाज सेइंग अदानी इज फिनिश्ड, दिसंबर 2023 में उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 7,00,000 crore की नई इन्वेस्टमेंट अनाउंस की, जिससे अदानी भारत का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन जाएगा। इसमें रण डेजर्ट में दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने का प्रोजेक्ट शामिल है, जो 2 crore लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देगा और 30 GW क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अदानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि उनके सारे एसेट्स जो हैं वो फिजिकल एसेट्स हैं। यानी अगर कल जाकर अदानी का दिवालिया भी निकल गया तो बैंक्स इन सारे एसेट्स को बेचकर पैसे रिकवर कर सकती है। और तीसरा पिलर है करेक्शन। अदानी अपने पब्लिक स्टेटमेंट्स में कितना भी कहे कि उनके कंपनीज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, सच तो यही है कि उनका डेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ये सस्टेनेबल नहीं था, तो उन्होंने तुरंत करेक्शंस शुरू की। अदानी ने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने पर फोकस किया। मतलब क्या है? अदानी ने डेटा के साथ ये प्रूव किया कि मार्च 2023 के एंड तक उनके पास 77,890 crore का कैश फ्लो था, जो उनके आने वाले साल के सारे कर्जे कवर करने के लिए सफिशिएंट था। प्लस 2023 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया। इस चार्ट में अडानी के साल दर साल बढ़ते हुए एसेट्स आप देख सकते हैं, जिनके बेसिस पर अडानी इज कॉन्फिडेंट कि वो अपने कर्जे चुका पाएगा। ये 3 पिलर्स अदानी के कमबैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन एक और रीजन है जो शायद इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है, एंड इट डिजर्व्स अ होल चैप्टर ऑफ इट्स ओन। Chapter 3, अदानीज मास्टर प्लान। अदानी आज एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल नाम बन चुका है। श्रीलंका में अदानी $700 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। कोलंबो पोर्ट में अपना टर्मिनल शुरू कर रहा है। ये श्रीलंका के पोर्ट सेक्टर में एक इंटरनेशनल प्लेयर की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, और इसमें अदानी अकेला नहीं है। US गवर्नमेंट ने भी अदानी के इस प्रोजेक्ट में पिछले साल नवंबर के महीने में $553 मिलियन इन्वेस्ट किए। ये प्रोजेक्ट चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। कोलंबो पोर्ट का इम्पोर्टेंट समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए कि यहाँ से गुजरने वाले हाफ यानी 50% शिप्स कोलंबो पोर्ट से ही होकर गुजरते हैं, जहाँ चाइना का हम्बनटोटा पोर्ट खाली पड़ा है। कोलंबो पोर्ट को नए कैपेसिटी की जरूरत है, जो काम अदानी कर रहा है। सिमिलरली इसराइल में भी अदानी के प्रोजेक्ट शुरू है। पिछले साल G20 के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हुई। आज ये प्रोजेक्ट हमास वॉर की वजह से रुका पड़ा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की सक्सेस में अदानी का बड़ा हाथ होने वाला है। अदानी ने पिछले साल इसराइल का हाइफा पोर्ट खरीदा पूरे $1.2 बिलियन के लिए। ये पोर्ट है इसराइल के नॉर्थ में और गाजा है इसराइल के साउथ में। ये इसराइल का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है।
जो बिजनेस के साथ साथ भारत के जियोपॉलिटिकल टाइज को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें कार्मिकाइल कोल माइन एंड रेल प्रोजेक्ट, एबॉट पॉइंट पोर्ट, रग्बी रन सोलर फार्म शामिल है। आज चाइना की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है, गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस साथ में काम करती हैं और दूसरे देशों की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, ताकि जियोपॉलिटिक्स में उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो। आज अदानी और भारत सरकार इसी स्ट्रेटेजी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। गौतम अदानी, जिनकी नेटवर्थ हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले 149 बिलियन डॉलर्स थी, वो रिपोर्ट के बाद 46 बिलियन डॉलर्स तक नीचे आ गई और ये एक ही साल में 74 बिलियन डॉलर्स तक ऊपर भी आई, मेकिंग हिम द रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड। और ये हुआ उनकी इसी तीन स्टेप स्ट्रेटजी की वजह से। याद रखिए कि हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट की वजह से उन पर हुआ इम्पैक्ट अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। पिछले साल जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आया था तो हमने कहा भी था कि अदानी का सच लोगों के सामने आना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम सबके इंटरेस्ट शामिल है। साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि अदानी की स्पीड और एफिशिएंसी से दूसरी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती। अगर अदानी में कोई स्कैम है तो वो देश के सामने आना जरूरी है, और ऐसे स्कैम्स आगे ना हो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव होना भी जरूरी है। आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अदानी जैसी कंपनी ने एक बड़े एलिगेशन को फेस किया, सुप्रीम कोर्ट ने अदानी के बारे में क्या कहा, और एंटरप्राइज और गवर्नमेंट साथ आकर हमें सुरक्षित रखने का काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या अदानी एक स्कैम है या फिर देश को बिल्ड करने वाली एक कंपनी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपको बदलते हुए भारत की सच्चाई बताने से मुझे फर्क पड़ता है।